भगवान को, हनुमान जी को मैं क्यों मानता हूँ, आज राम पे कब्जा करके बैठ गया। सर ये पॉलिटिक्स ही फुल टाइम बिजनेस है या पॉलिटिक्स में आने के बाद आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ती? जिसके लिए कुछ किया जाए उसको भूलना नहीं चाहिए आदमी। लेकिन राजनीति में उसका इतर ये देखा जाता है कि मंत्री पद के लिए झगड़े, कपड़े पहनाए, उसको बाहर निकाल दिया, लोगों ने उसका बीमार करके मार दिया। उन्होंने कहा कि दांगे साहब ने काम किए लेकिन कुछ चुनिंदा उनके वर्कर थे हर एक गाँव में, उनके ज्यादा किए। अभी नहीं, हम पूर्ण रूप से चौधरी देवलाल के प्रति डेडिकेटेड थे। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा सरायू में गोते मार रहे हैं, कोई बात नहीं। आर्य समाज ही तो फिर ये चीज़ नाना तो पड़ता ही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद सिंह डांगी एक किस्म से दो भाई हैं। मुश्किल जाते दरवाज़ा खुला, मेरा हाथ में हाथ पकड़ करके, आओ डांगी जी आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है? कि वहाँ हम वहाँ जाते जी तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता था, छूट सकता। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई में सर अलवा ज़्यादा पसंद है या खीर? नहीं, मैं रिटायरमेंट पर नहीं हूँ। आए तो ओम प्रकाश चौटाला के लिए वोट मांगने के लिए आए, करतार सिंह तोमर सीधी गोली फायर खोल दिया। और आनंद सिंह डांगी कभी किसी को धोखा नहीं देता। सर आपके साथ उलट होता था, लोग आपको मालाएं पहनाते थे पैसे की, आपकी और रघुवीर कादियान जी की, आप दोनों की टिकट वहां से फाइनल होके आती है, सोनिया जी फाइनल करती हैं। एंगल ठीक नहीं था इसलिए बच गए, मारी कहीं मत थी भाई, बहुत बड़ा पहाड़ था सामने, नाम में नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। और राजीव गांधी जी उसी समय आए थे, उससे पहले ना मेरी गैरहाजिरी में आए। क्या और कोई उम्मीदवार दांगी साहब को नहीं मिला मैम में? वो बकवास शब्द बोल रहे हैं, वो बकवास करता है। हरियाणा प्रदेश के वो कद्दावर नेता जो ना कि प्रदेश के बल्कि पूरे देश के सबसे खूनी उपचुनाव के साक्षी रहे हैं, वो नेता जिन्हें चौधरी देवीलाल बीते समय में अपना पांचवां पुत्र बताते थे। ऐसा क्या हुआ कि चौधरी देवीलाल के परिवार में इनके प्रति एकदम खटास पैदा हो गई? वो नेता जिनको लगभग 40 से 45 साल हो चुके हैं हरियाणा की सक्रिय राजनीति में, वो नेता जिन्हें अपनी विधानसभा छोड़कर दूसरे राज्य में शय लेनी पड़ी, वो नेता जिनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई गई। आज हम इस इंटरव्यू में आपके हर एक उस सवाल का जवाब देंगे जो आपके मन को कुरेद रहा है, क्योंकि आज हम बातचीत करने वाले हैं महम के पूर्व विधायक एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री आनंद सिंह डांगी जी से। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल सिमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा की पंचायत। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है बिल्कुल। 73 फीलिंग यंग? 73 टुडे कंप्लीटेड एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या अब जन्मदिन में वो उतना उत्साह है जो पहले था कुछ? मैं तो एक कर्म करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन में कोई उतार चढ़ाव दुख सुख की बात जो होने जाती है चली जाती है। आई एम लिविंग नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। पुरानी बातें याद आती हैं अभी धीरे धीरे जैसे जिंदगी और आगे बढ़ती जा रही है? पुरानी बातें कुछ बातें हैं जो याद भी रहती हैं और ज़्यादातर भूल जानी चाहिए, अच्छी बात नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए? भूल जाना चाहिए। और जो दुखी करती हैं वो बातें भूलनी चाहिए या फिर सारी भूल जाओ? मेरे ख्याल तो रिपीटेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता, बार बार उन्हीं चीज़ जो लाइफ गई वो गई, आगे बढ़ने की जरूरत होती है। पुराने समय का एक सवाल याद आता है, जब आप चौधरी देवीलाल जी के साथ थे वो सिर्फ पर्चा भरने आते थे, चुनाव का सारा दारोमदारा आप पे था, सब कुछ आप संभालते थे, उस समय कभी मन में ये आया कि मुझे भी एक दिन MLA बनना है? नहीं, कभी नहीं। हम पूर्ण रूप से चौधरी देवलाल के प्रति डेडिकेटेड थे और यहाँ से 3 बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, 3 बार MLA का, तीनों बार आए नॉमिनेशन करके चले गए, यहाँ मैम के लोगों ने उनका सारा इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन की काउंटिंग होती लो चोई साहब आप MLA बन गए, इस प्रकार से डट करके लोगों ने उनका साथ दिया। कभी आपको ये फील नहीं होता कि जिस परिवार के साथ मैं इतने दिन रहा
लगाव रहा, जो मुझे कहते थे कि आप भी हमारे बेटे हो, उस परिवार ने ये काम किया, कभी फील होता है कि थोड़ा सा दुख उस चीज़ होता है? होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए और फिर वो मतलब इस स्तर पर आ जाए कि भाई जीने मरने का सवाल आ जाए, तो वो चीज़ फील होने वाली बात है। जिसके लिए कुछ किया जाए उसको भूलना नहीं चाहिए आदमी ना। मैं आपके लिए कुछ करता तो यू नो नेवर फॉरगेट इट कि भाई मेरे लिए अच्छा किया है, मेरे को रोज़गार दिया है, मेरा कोई काम किया है, तो वक्त पर उस चीज़ को कभी नहीं भूलना चाहिए, उस बात को याद रखना चाहिए, चाहे आपकी बात है चाहे मेरी बात है जी। तो वो कभी भूलनी नहीं चाहिए। उस तरह की बातों में हमने बहुत संघर्ष में साथ दिया डट करके, लेकिन जब बात कुछ आई तो उसमें जो है ना जिस प्रकार के यहाँ पर हालात हुए वो कभी बोलने वाली बात नहीं, गलत चीज़ है। डॉक्टर साहब, जो राजनीति है वो एक सेवा है या एक पेशा है? राजनीति निश्चित रूप से सेवा है। पेशा मन करके कोई चलता है तो वो जनता के साथ विश्वासघात और धोखा है। हमेशा सेवा करके चलना चाहिए, क्योंकि राजनीति करने वाला व्यक्ति एक होता है और वो कुछ करने के काबिल बनता है तो अनेकों के साथ से बनता है, और वो अनेकों के लिए कोई बात आए और उसको बिजनेस मान करके चले तो जनता के साथ धोखा है। हमेशा उस बात को अपना धर्म फर्ज करते हुए मान करके, सेवा का रूप मान करके लोगों की सेवा करने की बात होनी चाहिए। नॉर्मली ये देखा गया है जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके कोई बिजनेस या उस तरह की जो सेटअप होते हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप होते हैं, वो कम होते हैं। अभी तो ठेकेदार जो आदमी हैं वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, लेकिन पहले ऐसा कम होता था। तो सर, ये पॉलिटिक्स ही फुल टाइम बिजनेस है या पॉलिटिक्स में आने के बाद आपको कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई दूसरा रोज़गार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्या होता है सर? मतलब ये सिस्टम कैसे वर्क? पॉलिटिक्स इज नॉट ए बिजनेस जी, वही बात आती है, एक सेवा है और सेवा भाव से हमने करना चाहिए। ये नहीं मान करके कि मैंने ये कमाना है, मैंने ये करना है, वो करना है, इंडस्ट्री लगानी है, पेट्रोल पंप खोलना है, क्या कोई और कुछ करना है, उससे फिर वो सेवा भाव वाली बात ख़त्म हो जाती है। मैं हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, 45 साल हो गए मेरी राजनीति को जी। 78 में मैं सरपंच बना था जी, और 10 साल मैं सरपंच रहा गाँव का, 5 साल चेयरमैन पंचायत समिति महम रहा जी, 2.5 साल चेयरमैन एसएस बोर्ड रहा हरियाणा का जी, उसके बाद 4 बार मैं एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, आज मैं जो बैठा हूँ 5 पैसे ना कोई मेरा मांगता ना मैं किसी का मांगता। साफ स्पष्ट राजनीति है और कोई धंधा नहीं सिवाय मेरे खेत के, खेत में कमाता हूँ और खाता हूँ और खर्च करता हूँ, ये मेरी राजनीति है। आज तक का रिकॉर्ड है, कोई किसी तरह की कोई मतलब बिजनेस नहीं जी, कोई दूसरे ढंग का जो है ना धंधा जो होता है लोगों को करते हैं वो नहीं, सीधी सी बात है, अपनी खेती करते हैं और अपना काम। जब आपने कहा कि सेवा है तो सेवा में इंसान निस्वार्थ भाव से लगता है, लेकिन राजनीति में उसका इतर ये देखा जाता है कि मंत्री पद के लिए झगड़े, दूसरे पदों के लिए झगड़े, तो अगर सेवा है तो फिर लड़ाई क्यों, झगड़े क्यों ऊँचे पदों के लिए? देखो, सेवा पद के हिसाब से होती है। ये भी एक लेमैन है, पाली है, हाली है, वो अपने खेत के खेत में ही हल जोड़ करके ही काम करेगा जी, उससे आगे कोई सेवा उसकी नहीं है जी। एक राजनीतिक आदमी इस फील्ड में आता है, लोगों का साथ लेता है और उसके बाद कुछ बनता है तो उस बनने में ही सारा काम चलता है। अब एक नॉर्मली एक एमएलए है जी, वो उतना काम नहीं कर सकता जितना एक मिनिस्टर कर सकता है जी। मिनिस्टर का कम से कम एक डिपार्टमेंट तो उसका जिम्मेवारी होती है, उसके हक की बात होती है, वो कुछ भी अपने डिपार्टमेंट में कर सकता है जी। और ऊंचा पद और जाएगा तो और ज़्यादा काम करने की क्षमता बन जाती है। जैसे एक एमएलए है या मिनिस्टर है और ऊपर चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर तो सर्वोपरि है, पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री सर्वोपरि है जी। और उसके हाथ में जो कुछ है वो एक मिनिस्टर के हाथ में नहीं है, एक एमएलए के हाथ में नहीं है। तो इसमें जो है ना वो तो चीज़ ज़रूरी कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए पद हासिल करके उससे ज़्यादा लोगों की सेवा करी जा सकती है, ये पद की तो इसलिए है। वैसे तो साहब ये कहा जाता है कि डॉक्टर, वकील और राजनेता कभी रिटायर नहीं होते, लेकिन आप थोड़े थके हुए लग रहे हैं। नहीं, मैं रिटायरमेंट पर नहीं हूँ, मैं एक सहयोगी हूँ। अब तक 20-22 साल से मेरा बेटा मेरा सहयोगी था,
अब मैंने पीछे हट करके मैं उसका सहयोगी बन गया, सिक्के का दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू आ गया जी। और वो बहुत बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से सारा वो होल्ड करके सारा सब कुछ करने लग रहा है। उसके काम से मैं पूरा संतुष्ट हूँ और हमारे लोग भी उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं एक किस्म से। बाकी तो राजनीति ही आगे समय बताएगा, लेकिन आज जिस प्रकार का मूवमेंट है उसके हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर लिया है और आने वाले समय में ठीक रिजल्ट आएगा। ऑफिस का कार्यक्रम मैम में शुरू किया था, उस दौरान आपने एक अपने भाषण में एक चीज़ कही थी कि मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा को न्योता देता हूँ कि आप महम से चुनाव लड़ो और मुख्यमंत्री बनाकर हम भेजेंगे। कोई शक नहीं, देखो हमने जब चौधरी देवलाल के लिए हमेशा डिवोट करके जो ना उनको 3 बार MLA यहाँ से बना, सारा सब कुछ चीफ मिनिस्टर यहाँ से बने, देश के ऊपर प्रधानमंत्री पूरे प्रदेश के संघर्ष की वजह से बने, तो इसी प्रकार से कोई आदमी अच्छा काम करता है तो उसका साथ सहयोग देना हमारा फर्ज बनता है। अगर उसमें कोई आड़े आती है तो बात, तो उसमें एक लोभ लालच और वो दूसरी बात आती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद सिंह डांगी एक किस्म से दो भाई हैं जी। हमेशा हमने मिलजुल करके संघर्ष करके लगातार, उसके बाद सरकार बनी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने, मैं उनके साथ 10 साल MLA भी रहा, 10 साल उनसे अलग, मतलब पहले वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे तब बने, और हम दोनों भाई की तरह से रहे हैं। और जहाँ तक दीपेंद्र की बात है, मैं समझता हूँ और कहना चाहता हूँ कि दीपेंद्र के बराबर का हिंदुस्तान में कोई नुमाइंदा नहीं है। जितनी मेहनत वो करता है, लोगों से मिलजुल करके चलता है, जिम्मेदारी के साथ जो बात आती है सामाजिक हिसाब से वो सारा सब कुछ करता है, दिन रात लगा रहता है, तो ऐसा बच्चा चाहे MLA लड़ो चाहे MP लड़ो, तो उसके लिए अपना स्वार्थ छोड़ करके ऐसे व्यक्ति का साथ देना चाहिए। उसी हिसाब से मैंने कहा था कि आप अगर MLA का चुनाव लड़ना चाहो जी तो महम से आप लड़ सकते हो, बलराम पीछे पहले आप। इसी कड़ी में आप पे दो आरोप भी लगते हैं। पहली चीज़ तो एक, गत दिनों हमने इंटरव्यू किया था कृष्णमूर्ति हुड्डा जी का, उन्होंने ये कहा कि डांगी साहब कैमरे के सामने तो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने पर्सनली मेरे साथ बैठ के बातचीत में मुझे कहा कि मेरे साथ पिछले चुनाव में भीतरघात हुआ। वो बकवास करता है, वो बकवास शब्द बोल रहे हैं, वो बकवास करता है जी। कहीं दिखाए वो रिकॉर्डिंग दिखा दे इस बात की जी, कहने के लिए। आनंद सिंह डांगी राजनीति कम है, सोशल सामाजिक और एक पंचायत के रूप में आदमी ज़्यादा है जी। उस हिसाब से जिस दिन से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ जुड़े हैं जी, उस दिन से हम छोटे बड़े भाई के हिसाब से हैं, और आनंद सिंह डांगी कभी किसी को धोखा नहीं देता। ये आपकी फितरत में रहा है, ये कभी किसी को देखा। ना अपने वर्कर को धोखा देता, ना अपने नेता को धोखा देता। हमने तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना लीडर माना है, और लीडर इसलिए माना है कि उसने 10 साल इस प्रदेश को इस ढंग से डेवलपमेंट दी है जो कोई नहीं दे सकता जी। ऑलराउंड डेवलपमेंट पूरे प्रदेश में, कुछ एक लोग कह देते हैं रोहतक, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में कोई एक छोटी डाणी भी ऐसी नहीं होगी जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम ना करवाए हो। ऐसा व्यक्ति ऐसा नेता हो तो और क्या दूसरी चीज़ की क्या ज़रूरत है। उसमें चाहे बच्चों के रोज़गार की बात थी और दूसरी डेवलपमेंट की बात थी। मेरा छोटा सा एक हल्का है जी, जो लोकल हल्का हम कह सकते हैं, छोटा सा कस्बा है महम जी, उसमें 3-3 कॉलेज हैं आज जी, 3 ITI हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मॉडल स्कूल है, मिनी सेक्रेटरीट है, हर गाँव में 2-2 स्कूल, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग है, लगभग हर गांव में सारी सड़कें चारों तरफ से 5-5, 6-6 सड़कें हर गांव से जुड़ी हुई हैं। यही डेवलपमेंट, एक एक इंच हर गांव की गलियां पक्की, सारा सब कुछ, पानी किसान के लिए, पीने के लिए, सब तरह की सुविधा। जिस राज में आई हो जी और जिसका मुखिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा भाई हो, उसके बारे में छोटी बात करना तो मेरे ख्याल से तो बहुत घटिया बात है। ये आदमी जो इस तरह की बात कर रहा है, घटिया बात कर रहा है। सर, आप हमेशा मैं मलके में शेर की तरह दहाड़े हैं, पिछले चुनाव में 12,000 का मार्जिन कैसे हुआ सर? वो मैंने कहन किया हुआ नहीं भूलना चाहिए जी। मैंने हजारों बच्चों को रोजगार दिया है जी, 2,000 परिवार तो मेरे मैं मलके के रोहतक में रह रहे हैं आज। वो भूल के किसी ने वोट शहर में बनवा ली, कोई वोट डालने नहीं जाता,
कोई ये हेका दिए ये कहने लग गया कि भाई सारी बार की ज़रूरी है इसे का साथ दें। फिर पैसे का, पैसा अनाप शनाप दूसरी अदर मीन्स से लोगों को बरगलाना, सारा सब कुछ करना, उस ढंग से हमें समझ नहीं आया इलेक्शन। सही बात तो ये है कि मैं हम तो मतलब इतने कॉन्फिडेंट थे, पूरा स्टेट ये कहता था आनंद सिंह दांगी इलेक्शन निश्चित रूप से जीतेगा, और कोई जीते और कोई जीते चाहे कोई हारे, लेकिन आनंद सिंह दांगी जरूर। लेकिन इस तरह के मीन्स में जो है ना उलझ करके लोग जो है ना एक बार गलती कर ले, लेकिन अब जो है ना पश्चाताप उस बात का होने लग रहा है। अब समझ में आ गई कि क्या गेम था, क्या बात थी। हाँ, जो आप 15 तारीख की बात जो कह रहे थे रैली की, जी वो रैली नहीं थी, वो एक ऑफिस का उद्घाटन था। ऑफिस का उद्घाटन कहा? हाँ, उस ऑफिस के उद्घाटन में आपने, आप थे क्या उसमें? नहीं, देखे? नहीं था, मैंने देखी है सारी क्लिप्स देखी। और लेकिन इतना जबरदस्त जन उत्साह, जो मतलब अनएक्सपेक्टेड, हमें उम्मीद भी नहीं थी, उससे कई गुना लोग, 36 बरादरी के लोग उस उद्घाटन पर, हमारी महिलाएं बहन बेटियां भी, आदमी पुरुष भी, जवान जवान नौजवान, इतने 80-90% जो है जवान तबका उठ करके आ गया वहाँ पर, और वो समर्थन आज बरकरार है। कल भी हमने शहर में एक छोटा सा कार्यक्रम किया था, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, दीपेंद्र जी आए थे। मेरे ख्याल तो टेलीफोनिक मैसेज पर कई हज़ार आदमी इकट्ठे हो गए, और 5 घंटे में हम एक गली क्रॉस कर पाए शहर की, चबूतरे से लेकर के, इतने लोग जुड़ाव कर रहे हैं, इतना जुड़ाव हो गया। तो आज हर आदमी समझा हुआ है, और मेरा एक रिकॉर्ड है जो कि हर राजनीतिक आदमी से अलग है, इतने इलेक्शन लड़ लिए जी, आज तक एक बूंद शराब किसी को नहीं दी जी, एक पैसा किसी को वोट के लिए नहीं दिया जी, इन लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये तक की एक एक वोट खरीद करके जो है ना वो सारा सब कुछ किया। पर सर आपके साथ उलट होता था, लोग आपको मलाई पहनाते थे पैसे की, वो पुराने जमाने चौटाला के साथ जो फाइट थी हमारी जी। देखो वो तो ऐसी ऐसी लड़ाई थी, हर भाई का सहयोग साथ की वजह से जो है ना सारा सब कुछ होता था, वरना तो कोई पैसा हमने लेते। चौधरी देवीलाल का जो वो था एक वोट और एक नोट, वहाँ से आइडिया लिया, वो हमने सारा किया, वो हमने सारा इकट्ठा कर करके चौधरी देवीलाल को दिया, वो एक वोट और एक नोट भी दिया, और इलेक्शन भी लड़ करके दिया। सर वो जो कार्यक्रम हुआ था आपका ऑफिस में, उसके बाद हम जब मैं मिलके में हमने कुछ लोगों से बातचीत की, सर दो बातें मुख्य रूप से निकल के आई। पहली बात तो ये, लोगों का ये था कि आपने काम किए, उन्होंने कहा कि दांगे साहब ने काम किए, लेकिन कुछ चुनिंदा उनके वर्कर थे हर एक गाँव में, उनके ज़्यादा किए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चुनिंदा मैंने इतने काम किए कि वो चुनिंदा लोग ही मेरे, वो सारे सब कुछ हैं। 36 बरादरी का काम आनंद सिंह दांगी ने किया है, रोजगार वाली बात है, रोजगार की कोई ये कहे वे चुनिंदा आदमियों के करे हैं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन है। एससी का अलग है, बीसी का अलग है, जनरल का अलग है, एक सर्विसमैन का अलग है, स्पोर्ट्समैन का अलग है, वो सारे के सारे ठीक ढंग से हिसाब से जो है ना जिसका हक बनता था वो हमने सारा सब कुछ करके दिया था। आज कोई बात कहता है कि भाई आनंद सिंह दांगी ने मेरा काम नहीं करा, उसका कर दिया, मैं उससे पूछता हूँ कि तेरा क्या काम था? ये पूछते उस टाइम तो नहीं था, अब कर दियो, इस तरह की बात हवाई बातें लोग करते हैं। लेकिन जिस ढंग से मैंने किया है, चाहे बच्चों के रोजगार की बात है, चाहे ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात है, कोई पाशंग में नहीं कर सकता। सर दूसरा सवाल जो निकल के आया वो ये आया, आपने उस सभा में ये कहा था कि मेहनती, शिक्षित, ईमानदार उम्मीदवार आपके सुपुत्र के बारे में आपने कहा था सभा में। दूसरा सवाल ये निकल के आया कि क्या और कोई उम्मीदवार दांगी साहब को नहीं मिला मैम में? आ जाए कोई, कोई आए तो वेलकम, कोई आए तो वेलकम है, कोई आए तो वेलकम है जी। जब और जब मेरा बेटा मंड करके साथ खड़ा होकर के काम करता है जी, मैं कई साल से ये मान करके चलो लगभग फरी हूँ जी, लगभग काम उसने संभाल रखा है, हर दुख में, सुख में, काम में, धंधे में, एक दूसरे की मदद करने में, मैं तो इस बात पर खुशकिस्मत हूँ कि मेरा बेटा ऐसा है जिसके ऊपर आज कोई आरोप नहीं है जी, कोई आक्षेप नहीं है, किसी का कोई उलाना नहीं है जी, चरित्र के बारे में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है जी। आज की राजनीति में इस तरह के लोग कम ही मिलेंगे, आज दीपेंद्र के बारे में कहा जा सकता है जी। और मैं खुल करके चैलेंज अपने बेटे के लिए करता हूँ कि कहीं कोई किसी प्रकार की कोई कमी निकालो जी। जब ऐसा व्यक्ति कोई है जी,
और वो अब नुमाइंदगी के लोगों के बीच में आता तो और इससे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए। जब मैं गांव के सरपंच से शुरू करके आज तक यहाँ पर हूँ 45 साल में, मेरे ऊपर उंगली उठाओ कोई, मेरे चरित्र के ऊपर उठाओ, मेरी इंसानियत के ऊपर उठाओ, मेरे काम के ऊपर उठाओ, मेरी ईमानदारी के ऊपर उठाओ, खुला चैलेंज इस बात का। फिल्में देखते हैं आप? मुश्किल, अभी तो आपका वक्त इतना मुश्किल होता होगा वक्त काटना। नहीं, मेरा बात है, मैं वक्त कैसे, मैं तो सुबह उठ जाता हूँ 6 बजे ग्राउंड में चला जाता हूँ। जी, कौन से ग्राउंड में जाते हैं? यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, रोज़ गार्डन में सैर करता हूँ, एक्सरसाइज प्राणायाम करते हैं। 6:30 बजे जाता हूँ, 9 बजे आता हूँ, 9 बजे आकर के ब्रेकफास्ट करता हूँ, नहा धो करके अपने इलाके में चला जाता हूँ लोगों। अभी भी आप डेली जा रहे हैं? यस, डेली। मेरी सुन लो आप, जब डेली की बात उससे आगे जब करना बात, रोजाना जाता हूँ, मेरा बेटा भी रोजाना जाता है जी। मैं लगभग डेली अपने खेत में जाता हूँ और हर दूसरे तीसरे दिन मैं अपनी गायों के पास जाता हूँ, उनके ऊपर के हाथ फेर करके आता हूँ, और दिन में जो है ना दुख में सुख में पूरे हल्के के अंदर जा करके उन लोगों के साथ शामिल होते हैं, और शाम को फिर 7 बजे मैं 7:30, 7:30, 6:30 अपने घर आता हूँ। आ करके जैसा भी खान पान रोटी राटी खानी पड़ी तो खा लेता हूँ, ना तो नहीं खाता हूँ, फिर लेट जाता हूँ। लेट करके थोड़ी देर टीवी पर नज़र होती है तो उसके बाद मैं सो जाता हूँ। गांव में तो बाजरे की रोटी खाई होगी आपने सर्दियों में? यही भी खाता हूँ, यही बनती है। खेतों में क्या यही हारा लग रहा है? अच्छा, दूध का गांव से दूध आता है, मेरी गायें हैं जी। 20-25-30 किलो से कम दूध मैं कभी नहीं होने देता जी। सुबह मेरा ड्राइवर आता है वो लेकर आता है, शाम को मैं आता हूँ, बेटा आता है वो लेकर के आते हैं जी। सारा सिस्टम जो घर का वाला है वही यहाँ पर सारा सब कुछ कर रखा है, चाहे बाजरे की रोटी है, चाहे लस्सी की बात है, चाहे मक्खन टिंडी की बात है, सारी चीज़ें घर की हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा नहीं महसूस होता? मैं सुबह का इंतजाम कर लेता हूँ कोलेस्ट्रॉल वगैरह। अच्छा, वो मॉर्निंग वॉक करके? मॉर्निंग वॉक करके मैं बड़ी आराम से मस्ती की नींद सोता हूँ जी। 9:30-9 बजे सो जाता हूँ और सुबह 5:30-5 बजे उठता हूँ, अपना ड्रेस वेस होकर के तैयार होकर के बाहर निकल जाता हूँ। कुछ महत्वाकांक्षाएँ अधूरी नहीं रही? नहीं, सेटिस्फाइड है लाइफ? फुल्ली सेटिस्फाइड, जो कुछ किया जो हासिल, कोई लोभ लालच नहीं है, सीधी बात यही है जी। लोभ लालच नहीं है, स्वार्थ नहीं है, इन्हीं चीज़ों में जो टेंशन बनती है, इन्हीं चीज़ों से जो है ना आदमी परेशानी होती है जी। वो मुझे कोई नहीं, मैं फुली सेटिस्फाइड विद माय फैमिली, चाहे मेरा बेटा है, चाहे उसकी माँ है, चाहे मेरी पुत्रवधू है, चाहे मेरे पोता पोती हैं, सबसे मैं पूरा संतुष्ट हूँ। जिस प्रकार से एक घर परिवार होना चाहिए, जिस तरह से चलना चाहिए, मेरा घर परिवार बहुत बढ़िया से। कभी दिल्ली जाते हैं सोनिया गांधी से मिलने? ना, मैं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। आपके बारे में दो चीज़ें बड़ी फेमस हैं सर, एक तो आपके पास सफारी थी, सोनिया गांधी जी भी सफारी इस्तेमाल करती अब भी है, आप उनको देख के करते थे? आप मेरे तो पहले शुरू से जब से सफारी बन करके आई है जी, कंपनी से उसी वक्त से सफारी रखी। गाड़ियों का शौक है? बस यही है जी। आपने बहुत दिन रखी वो सफारी? अब भी है, एक नंबर सफारी मेरे पास। अच्छा, वो वही वाली गाड़ी है? वो सुबह शहर को जाता हूँ, जब उसको निकाल के ले जाता हूँ। अच्छा, उसी में जाते हैं? सफारी एक नंबर में जाता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये बड़ी फेमस है सर, ये हरियाणा में इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है आपकी और रघुवीर कादियान जी की, आप दोनों की टिकट वहाँ से फाइनल होके आती है, सोनिया जी फाइनल करती हैं, हरियाणा में आपकी टिकट काटने वाला कोई नहीं। चलो खैर, हमने कर्म किया है जी, पार्टी के लिए डेडिकेटेडली काम किया है जी, और जब मेरे ऊपर बुरा वक्त आया था जी, उस टाइम राजीव गांधी जी ने आकर के हमारा साथ दिया जी, और राजीव गांधी जी की ही कलम से मेरी कांग्रेस की एंट्री है जी, डायरेक्ट, बीच में नो कोमा फुल स्टॉप जी, डायरेक्ट राजीव गांधी जी से जो है ना पार्टी की एंट्री हुई है, और उसके हिसाब से हम अब कांग्रेस पार्टी के डेडिकेटेड वर्कर हैं। सर, इस बात पे हम शुरुआत पे आ सकते हैं, जो आपने बात राजीव गांधी जी तक पहुँचाई है वो सारी घटना हुई, शुरुआत पे आ सकते हैं कि शुरुआत में क्या हुआ सर? जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बनकर के चले गए जी, तो उस वक्त महम से MLA थे जी,
फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन उन्होंने जीत लिया जी, तो ऑटोमेटिकली वो सीट खाली हो गई जी, और देश के उप प्रधानमंत्री बन करके चले गए जी। महम का एक सिस्टम है, पंचायती सिस्टम था तब जी, कि भाई 36 बरादरी के लोग चबूतरे पे इकट्ठे होकर के अपना नुमाइंदा चुनते और फिर उसका जबरदस्त साथ देते जी। इसी प्रकार से चौधरी देवलाल 3 बार MLA 24 पंचायत के उम्मीदवार के रूप में जीत करके गए, चाहे पार्टी उनकी कोई भी हो जी। इसी तरह से जब खाली हुई तो हमारे लोग इकट्ठे हुए जी, 36 बरादरी के हजारों लोग इकट्ठे चबूतरे पर हुए और उन्होंने मेरा नाम ले दिया जी, कि भाई हमारा उम्मीदवार अब की बार आनंद सिंह दांगी है, चौधरी देवलाल दिल्ली चले गए जी। मैंने कहा हम चौधरी देवलाल के साथ हैं जी, अच्छा होगा कि उनका भी आशीर्वाद लें, उसके बाद इलेक्शन लड़ा जाए तो पंचायत है, पंचायत के लोग वहाँ पर जा करके उनसे इजाज़त ले लो, अपन इलेक्शन लड़ देंगे। लोग छट करके गए सैकड़ों की तादाद में, वहाँ जा करके चौधरी देवीलाल को मैसेज दिया कि जी आ जाओ, बात सुन लो, मैम के लोग आए हुए हैं। वो उतर करके नहीं आए नीचे जी। काफ़ी देर के बाद थोड़ा जो शोर शराबा लोग अपना हक मानते हैं जी, वो किया तो तब उतर करके आए, आके कहने लगे मैं इस पंचायत को पंचायत नहीं मानता। चौधरी देवीलाल जी ने कहा है हाँ, कि मैं इसको पंचायत हाँ, नहीं मानता, मैं आऊँगा जी, पता करूँगा पंचायत हुई है कि नहीं हुई है जी, फलां तारीख को आऊँगा जी। वो तारीख आज तक नहीं आई, कभी आए नहीं, कभी नहीं आए। आए तो ओम प्रकाश चौटाला के लिए वोट मांगने के लिए आए जी, आनंद सिंह दांगी के लिए नहीं, आनंद सिंह दांगी के खिलाफ आए। वहाँ से आ करके पंचायत में जो फैसला बताया कि भाई इस तरह बात हुई, फिर मैंने कहा था भाई चाहे कुछ भी हो जाए पंचायत के मान सम्मान के लिए, इस पगड़ी के लिए जी मैं तैयार हूँ जी, कोई भी हालात हो। आप अपने राजनीतिक गुरु के खिलाफ जाने के लिए तैयार होंगे क्योंकि पंचायत आज चलो जो भी जी, राजनीतिक गुरु तो पता नहीं कौन कौन किस किस के हुए हैं जी, लेकिन हमने साथ दिया चौधरी देवीलाल का डट जी, करके जी, हर तरह से अपने आप को डिवोट करके जो हमने साथ दिया है जी, उनके लिए जेल में भी गए, अपने ट्रैक्टर भी तोड़वाए, सारा सब कुछ करा जी। लेकिन उसके बाद जब बात आई तो वो पुत्र मोह मोड़ करके रह गए जी। अगर पंचायत में आकर के चौधरी देवीलाल कह देते कि भाई अब आपकी तो रहने दो, ओम प्रकाश को बन दो जी, मारी की हिम्मत थी भाई, बहुत बड़ा पहाड़ था सामने जी, पार्लियामेंट का दिल्ली का राज उनके हाथ में, हरियाणा का राज उनके हाथ में, मेरा तो एक छोटा सा हल्का था जी, हमारी हिम्मत नहीं थी। लेकिन मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए, पंचायत के मान सम्मान के लिए, पगड़ी पंचायत की पगड़ी के लिए मैंने ये कह दिया मैं लड़ूंगा, चाहे कुछ मेरा सर्वस्व मतलब ख़त्म हो जाए लेकिन मैं इलेक्शन लड़ूंगा जी। लोगों ने कहा हम तेरा साथ देंगे, लोगों ने साथ दिया कि चौधरी देवीलाल का हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया जी। इस तरह के इलेक्शन हुए, जब इलेक्शन उस दिन जिस दिन हुआ उस दिन जो है ना सारी पुलिस फोर्स अलग अलग लग रहे, अधिकारी अलग अलग रहे, सारी बूथ कैप्चरिंग रैगिंग सब तरह से, मतलब प्रजातंत्र का बहुत खिंडा दिया प्रजातंत्र, एक वो मतलब देसी हिसाब से मैं कहूँ जी, कई आदमी भी मर गए यहाँ पर उनकी फायरिंग से, सारा सब कुछ इलेक्शन काउंटरमैंड हो गया। इलेक्शन आगे जो है ना अनफेयर मीन्स से जो हुआ उसकी वजह से इलेक्शन काउंटरमैंड हो गया जी। उसके बाद दोबारा इलेक्शन आया जी, दोबारा फिर वो हमारा एक गांव का ही लड़का था अमीर सिंह जी, इंडिपेंडेंट उसका नाम ना वो भरवा दिया, वो बहुत डेडिकेटेड आदमी था उनका। जब ये हालात देखे वह आपकी बार भी पार नहीं पड़ती जी, तो उसका मर्डर करवा दिया, फिर इलेक्शन काउंटर में भिवानी में हुआ मर्डर। हाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मुंडाल गाँव है जी। वहाँ पर करतार सिंह तोमर चीफ मिनिस्टर था, सॉरी SP था जी भिवानी का, उसकी देख रेख में सारा सब कुछ जो कुछ भी जैसे भी हुआ वो भगवान जानता है, लेकिन हकीकत यही है कि उसका मर्डर करके उन्होंने वहाँ डाल करके सारा सब कुछ ओके इलेक्शन काउंटरमैंड हो गया जी। अमीर सिंह का दाह संस्कार पे चौटाला भी आया, हम भी घर से उठ करके चलने लगे जी। तो दो पत्रकार आए, एक इंडियन एक्सप्रेस की लड़की थी और हिंदुस्तान टाइम्स का था एक जी। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे वहाँ पर दाह संस्कार बने, बोले आप मत जाना, आपके खिलाफ बाइने में FIR मर्डर की हो गई है जी। उनके कहने से हम रुक गए,
अगर वो पत्रकार आपको नहीं बताते कि वहाँ हम वहाँ जाते जी, तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता था जी। वहाँ से ओम प्रकाश चौटाला ये कह के गया कि रोहतक तक पहुँचने से पहले मेरे को समाचार मिलना चाहिए। अच्छा, ये उनके शब्द थे? हाँ, सुने हैं लोगों ने, सुने लोगों ने सुने वहाँ पर बरियल ग्राउंड में जी। वो उधर गया है और पूरी पुलिस फोर्स जो है ना आकर के अपने घर पर जो है ना चारों तरफ से घेर करके आपके घर को। हाँ, हम बैठक मुंह पर बैठे थे जी। जैसे बारजा हवेली का होता ना जी, बारजा अपनी हवेली का आज भी है। मैं उससे बाहर आया, गली में शोर सुना, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। मैंने ऊपर से कहा मारा की बात है, किस लिए इसने करतार सिंह तोमर दरा सीधी गोली फायर खोल दिया, फायरिंग स्टार्ट कर दी। यस, एंगल ठीक नहीं था इसलिए बच गए। वहाँ से सीधी नीचे सीधी भी लग सकती थी। फिर तो हम जो ना पीछे छतों पर से कूद काद कर निकल गए। इतने में मतलब बर्ज इसमें पटकालम जीना में जो ना मेरी वाइफ थी जी, 8-10 औरतें और थी, वो उठ करके खड़ी हो गई, ऊपर नहीं जाने दिए ये पुलिस वाले। उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, 1.5 घंटे तक दनादन गोलियाँ वहाँ चली। मैं 3 आदमी मरे, एक मेरा पाली मरा जी। एक लड़की खिड़की में बैठी थी वो मर गई, एक बूढ़िया दूध निकाल के ले रही थी, लेने लग रही थी वो मर गई, 10-12 और इंजर्ड हो गए। 1.5 घंटे तक दनादन गोलियाँ, सारा घर छलनी हो गया, निशान जो है ना सैकड़ों गोलियों के निशान। वो तीन लोग जो उस दिन, वो तीन लोग, उनको कोई इंसाफ नहीं मिला बाद में? नहीं, वो फिर इलेक्शन क्या नाम कमीशन बैठा सुप्रीम कोर्ट ने जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज मिस्टर सेखिया जी, पहले मिस्टर आनंद लगाए थे, और CBI असिस्ट उसको करेगी जी। इस हिसाब से जो है इंक्वायरी बिठाई, कई महीने जज इंतजार करके चला गया, उसको कोई एक सिपाही की भी मदद ओम प्रकाश चौटाला ने दी, क्योंकि सरकार उसकी थी। सर, ये इस कड़ी में एक बैसी का जिक्र आता है, जो बैसी वो बात पहले की बात है, वो पहले हो लिया, वो पहले इलेक्शन में हुआ था। पहले इलेक्शन में हो लिया बैसी में जी, जो 8 बूथों की रिकाउंट पोलिंग हुई थी जी, जिसमें 2-3 बूथ बैसी के थे जी, 1-2 बूथ मैम का था, 2-3 बूथ एक और दूसरा गाँव बैनी महाराजपुर उसके थे। वहाँ पर जो है ना फायरिंग हुई थी, मैम में भी फायरिंग हुई, और उसमें 3 आदमी मरे थे फायरिंग में जी। और उसका यही आता है कि अभय चौटाला ने जो है ना जबरदस्ती करके वहाँ पर अंदर घुसने की कोशिश करी बूथ में जी, उन लोगों ने रोका तो उसने फायरिंग खोल दी, जिससे 3 आदमी वहाँ पर मौके पर मरे। और फिर ये अभय चौटाला वहाँ पर गया हुआ था, अंदर जा करके जो है ना अंदर घुस गया, अंदर जो है ना एक पुलिस वाले की वर्दी निकलवाई, वो पहनी, और पुलिस वाले को अपने कपड़े पहनाए, उसको बाहर निकाल दिया, लोगों ने उसका बेमार करके मार दिया, पुलिस वाले को मार दिया। तो ये सारी बातें हैं। ये राजीव गांधी जी जो थे वो मदीना में आए थे, मदीना भी आए, मैम भी आए, बैसी भी आए। आप पहले उनके पास गए थे ना? वो तो इस चीज़ को देख करके बहुत ज़बरदस्त अन्याय हुआ है जी, अत्याचार हुआ है, प्रजातंत्र के साथ खिलवाड़ होने लग रही है, इस बात को लेकर के जो है ना वो मौके पर आए। और फायरिंग वाली जब घटना हुई थी सर, तो उसके कितने दिन बाद आप वापस घर लौटे थे? फायरिंग वाली तो काफ़ी समय लग गया था उसमें, 2-3 महीने। और राजीव गांधी जी उसी समय आए थे? उससे पहले ना मेरी गैरहाजिरी में आए। आपकी गैरहाजिरी? मैं घर पर नहीं था जी, मेरी मिसेज थी और लोग थे वहाँ। तो कई महीने तक गली में ये खरड़ देसी बिछा करके, आप जानते हो खरड़ क्या होता है जी, वो बिछा करके गली में 24 घंटे पड़े रहते, गली में पहरा देते कि भाई कोई पुलिस वुलिस आकर फिर दोबारा जाती ना कर दे। तो आपको कभी ये नहीं लगा कि अब क्या होगा, परिवार की स्थिति क्या होगी? बड़ा लगा कभी अभी, लेकिन अभी के मौके पर वो दिन, लेकिन भगवान ने बड़ी हर कदम पर जो है ना हमारी मदद करी जी। उसमें जो है ना मेरे साथ 2 भगवान थे, एक परमपिता परमात्मा भगवान जी, एक मेरा भाईचारा लोगों का भगवान जी। नीचे घर पर वो भगवान के रूप में जो है ना बैठ करके जी हमारी रक्षा सुरक्षा सारा सब कुछ किया, इसलिए आज यहाँ बैठे ना तो पता नहीं क्या होता। तो उसके बाद राजीव गांधी जी ने आपको ज्वाइन करवाया कांग्रेस में? हाँ।
और इसलिए लोग कहते हैं कि आपकी टिकट वहाँ से पक्की होकर आती है। चलो वो भगवान की कृपा है, जो जिस प्रकार से हम अपनी राजनीति करते हैं, कोई छल कपट नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। कौन से भगवान मानते हैं सर आप? मैं उसी भगवान को मानता हूँ। कोई नाम है भगवान का? कोई नाम तो एक, मैं हनुमान जी को मानता हूँ। हनुमान जी को आप ज़्यादा मानते हैं? बाकी सब कुछ इसके अंदर ही है जी, शरीर के अंदर ही है। मतलब पहलवानी करते थे, अखाड़े में जाते थे, वहाँ से हनुमान जी को मानने लगे। कबड्डी खेलता था, कुश्ती भी करता था, हॉकी भी खेलता था। पहलवान ज़्यादा मानते हैं हनुमान जी को? नहीं, वो भी एक कारण है। भगवान को, हनुमान जी को मैं क्यों मानता हूँ? अच्छा, बाकी इसी से जुड़ी हुई बात है। इस टाइम मेरे पर केस बने हुए थे, तो मैं 3-4 महीने से घर छोड़ करके अपनी गिरफ्तारी से, इन केसेस से बच करके जो है ना बाहर निकल रहा था जी। और उस वक्त आगरा में 3 महीने रहा मैं किसी के पास जी। सुप्रीम कोर्ट तक बेल कैंसिल हो गई जी, फिर कोई रास्ता नहीं रहा। मैं जिसके पास रहता था वो कहने लगा जी किसी पंडित जी से बात करूं मैं जी, कोई सहारा मिल जाए। था वहाँ पंडित जी के करेगा भाई, सुप्रीम कोर्ट तक का जो है ना मामला रिजेक्ट हो लिया, अब तो गिरफ्तारी देनी पड़ेगी या ये चीफ मिनिस्टर इतना अपना घर छोड़ कर रहो जी। फिर भी वो फौजी आदमी था, बोला मैं देखता हूँ जी। उन्होंने फिर एक कहीं पता करा कि मैनपुरी एक पंडित जी है जी, मैन मुलायम सिंह जी के क्षेत्र में। हाँ हाँ, उसका ये एड्रेस है। तो हम सुबह उठ करके वहाँ चले गए जी। उन्होंने बताया कि वो बालाजी मेहंदीपुर जाते हैं जी, और हो सकता है कि उनका फ्लैट है आगरा में, वहाँ आगे हों जी। उसकी माँ थी बूढ़ी, उसके घरवाली थी, बच्चे थे, उन्होंने बड़ा मान सम्मान जी तक कही मारी और उन्होंने ये बताया। फिर आए तो हम जो है ना, उन्होंने हमने वो आए हुए मिल गए। वो कहने लगे शाम को आना जी, थोड़ा सा प्रसाद ले आना जी, फ्रूट का। शाम को गए, उन्होंने मंदिर बना रखा है एक बालकोनी में जी, बालाजी की फ़ोटो रख रखी मेहंदीपुर के, वहाँ हम बैठा लिए। कहने लगे 2 रुपये चढ़ाओ, मैं मेरे पास खुले कौन है भाई जी। फिर उसने अपने पास से दिए मैनेजर, फिर उसने एक कागज़ लिखा, पर्ची लिखी एक, लिख करके उसकी तय करके बालाजी के चरणों में रख दी जी। 2 मिनट के बाद मैं इसको उठा और जेब में डाल लो जी, मैं जेब में डाल ली। 2 मिनट के बाद मेरा निकालो और फिर वहीं रख दो जी, वहाँ रख दी। फिर 2 मिनट के बाद फिर बोले अब उठाओ और खोलो और इसको पढ़ो जी। उसमें लिखा नाम आनंद सिंह, जन्म तिथि जो मेरी है वो जी, मामला भूमि से संबंधित, करने वाला ओम प्रकाश, बाल बका नहीं कर सकता। आपके रोंगटे नहीं खड़े उस टाइम पे कि ये क्या? मैंने कहा हमारी सुप्रीम कोर्ट की जमानत कैंसिल हो ली भाई, आप ये कहने लगे बाल बाका नहीं कर सकता जी। बट सबसे अगर विश्वास करो तो सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट बालाजी मेहंदीपुर है। अगले दिन शनिवार था, बोला वहाँ जाओ अपनी प्रार्थना करो और फिर देखो सुप्रीम कोर्ट कौन सी है। ये एक पर्सनल लाइफ की बात है, ये एक नई बात है आपने जो बताई है। इससे पहले आपकी आस्था थी इतनी या उसके बाद ज्यादा आपकी आस्था? ना, मैं आर्य समाजी आदमी, आर्य समाजी, आर्य पाठशाला में पढ़ा हूँ, आर्य समाजी आदमी। सर एक आर्य समाजी आपने जो कहा, इस पर मेरे को एक सवाल ध्यान आ गया। आप भी आर्य समाजी हैं, हुड्डा साहब भी आर्य समाजी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दादा जो थे चौधरी माथुर, उन्होंने शुरुआत की थी आर्य समाज में, पहली छूत-छात जात पात की बात खत्म तो करने। पूरा परिवार जो है हुड्डा साहब का वो आर्य समाजी है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा सराइयों में गोते मार रहे हैं। कोई बात नहीं, आर्य समाजी तो फिर ये चीज नाना तो पड़ता ही है, ये हरिद्वार नहीं जाते आप लोग जी, उसमें आर्य समाज को इनकार थोड़ा करता है, हरिद्वार में ना हो ना जी। हरिद्वार एक पवित्र नदी मानी जाती है, पानी उसका जो है ना आप 10 साल रख लो उसको खराब नहीं होता, तो कोई ना कोई कारण है उसके अंदर जी, कोई तो कारण है किसी तरह से भी, जहाँ से बह करके आती है, कोई जड़ी बूटियों का है कि उसे जो भी है जी, लेकिन खराब नहीं होता। तो ऐसे स्थान पर जो पवित्र नदियाँ हैं, ये संध्या है, आर्य समाज की संध्या है जी, उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। शिव जी का नाम भी आता है जी, राम का भी नाम आता है,
और उसके बाद अगर इस बात में सब तरह से एक तरफ थोड़ा ही डाला जा सकता है, सब का हक है। अब मोदी एक एक मेरी है सारा सब कुछ जी। आज राम पर कब्जा करके बैठ गया मोदी जी ने, राम पर कब्जा कर लिया। हाँ, उसका है एक एक किले का, सबका है सर, राम सबके है, राम तो सबका है ना जी। तो इसलिए जो ना राम 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 देगा ते आदमी है, मैंने भी हल बाया है, ट्रैक्टर बाया खूब, बैलों का हल भी बाया है, हर हाली जब अपनी जुआ बैलों पर रख करके हत्था पकड़ता है, ले भाई राम का नाम, बैलों को भी ये कहता है ले भाई राम का नाम जी। कोई भी काम शुरू करते हैं ले भाई राम राम, सब आपस में मान सम्मान इज्जत करते हैं, सब एक दूसरे को राम राम करते हैं। हरियाणा की संस्कृति में बसाया राम जी। तो इसमें ये बात, इसमें ना आर्य समाज अड़ता ना सनातन अड़ता, ये तो एक श्रद्धा की बात और उसको मानने की बात, एक माध्यम है ये सारा सब कुछ इस तरह से, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दीपेंद्र सरयू नदी में नहाकर डूबा तो नहीं, नहीं सर। जिस राम की बात करते हैं हम, वो फिर दूसरी बात आएगी, कोई नहीं आप इसको वो करते हैं। हाँ सर, जब आप 1991 में पहली बार विधायक चुने गए, उसके बाद आप विधानसभा में गए, क्या आपके लिए वो एक, जैसे नया कोई विधायक जाता है उसके लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है कि मैं इसमें आ गया, कानून के मंदिर में आ गया, एक भव्य एक्सपीरियंस होता है कि राजमहल टाइप जगह पे आ गया, आपके लिए वो एक्सपीरियंस था? क्योंकि आपके साथ उससे पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें उथल पुथल हो चुकी थी। मैं नया आदमी तो नहीं था जी, मैं गांव का सरपंच भी रह लिया था जी, पॉलिटिकल कड़ी तो वहाँ से ही शुरू होती है जी। SS बोर्ड का चेयरमैन रहा मैं, बिल्कुल जी, चंडीगढ़ ही था मैं जी, वो विधानसभा भी देखता था, सेक्रेटरीट भी देखता था, सारी बातें मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। वो नई चीज नहीं थी। हाँ। आप उस माहौल में ढल चुके थे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप जब गांव में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कोई आपको दादा भी कह देता है, कोई आपको दांगी साहब भी कह देता है, कोई आपको विधायक जी भी कह देता है, कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है कि क्या बोलो क्या? प्यार में, भाईचारे में जो भी बात कही जाए वही अच्छी है, इज्जत के साथ कोई भी बात करी जा सकती है, चाचा भी कह दे, कोई दादा भी कह दे, कोई भाई भी कह दे, कोई साहब भी कह दे जी, कोई मंत्री जी भी कह दे, मंत्री भी रहा हूँ जी, बजलाल सरकार में जी, जी। ये सारी बातें जो है ना, इज्जत की बात होती है आपस में सब प्यार, ये एक हमारे सामाजिक सिस्टम है जी। एक दूसरे का मान सम्मान, अब जैसे नमस्ते है, मैं आपको नमस्ते करता हूँ जी, मैंने आपको नमस्ते करी, आपने मेरे को नमस्ते कर दी जी, आपको भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा जी, लेकिन दोनों के एक तरफ से उत्तरम पात्रम जो बालकार है ना भाई, ना पचड़ी ना मेरे पचड़ी जी, जी। लेकिन इज्जत दोनों का मान सम्मान एक दूसरे के प्रति हो गया, ये चीज़ तो सम्मान की बातें हैं जो आपस में जो है ना एक सामाजिक सिस्टम से सब जगह होती है और होनी चाहिए जी समाज में। सर, हलवा ज़्यादा पसंद है या खीर? खीर भी, हलवा भी, दोनों चीज़ें, चूरमा भी। अब इसमें मैं सर एक थोड़ी लड़ाई झगड़े वाली बात करना चाहता हूँ इसी टॉपिक पे, माँ के हाथ का या आपकी जो धर्मपत्नी? माँ मेरी अब नहीं है। नहीं, माँ के हाथ का ज़्यादा पसंद था या अपनी धर्मपत्नी जो आपकी है? मेरी भाभी के हाथ का, मेरी भाभी मेरी माँ से बड़ी थी, मेरी भाभी जो थी मेरे पिताजी की पहली जो शादी हुई थी उनके एक लड़का थे जी, वो उस टाइम TB की बीमारी से मर गए थे, उस वक्त इलाज नहीं थे TB के, खेत में भी रखा उनको, सारा कोशिश करी हर तरह से, लेकिन वो बात नहीं बनी जी। तो वो भाई की वाइफ मेरी भाभी और उनके एक लड़की थी जी, लेकिन उस टाइम 400 बीघे का मालिक मेरा पिताजी जी, मेरे भाभी ने जबरदस्ती करके एक दादा शादी करवा लो घर बस जाएगा दोबारा जी, उसके कहने से रिश्तेदारी में से जो है ना यार प्रेम प्यार प्रेम में मेरे पिताजी की शादी हुई जी। उसके बाद हम 3 भाई हुए और 1 बहन हुई जी। उस भाभी ने माँ से भी ज़्यादा प्यार दे करके हमारा पालन पोषण करा जी, और सब तरह से मतलब एक देवी के रूप में, अगर वो चाहती तो 400 बीघे की मालिक थी, अपनी बेटी के नाम करवा देती, सारा सब कुछ हो सकता जी। लेकिन वो बेटी भी ऐसी थी जी, जिसने कभी कोई लोभ लालच की बात नहीं करी जी, और मेरी भाभी सब कुछ डिवोट इस घर को उसके लिए कर दिया जी।
तो भाभी अच्छी हुई, माँ अच्छी हुई, खेत में दाह संस्कार किया जी। हमने उसका मंदिर बनवाया, लोग आते जाते वो आर्य समाज वाली बात आ गई, भाई तुम तो आर्य समाजी आदमी हो, मंदिर किसका बनाओ जी। माता का बनाओ हो, शिव जी का बनाओ हो, कि राम का बनाओ हो, कि हनुमान का बनाओ जी। हमने कहा कि हम अपनी भाभी का बनवा, वो हमारी दिव्य में देवी है, वो हमारी माता है, और सारा सब कुछ उसी का दिया हुआ है, उसका मंदिर मैंने अपने खेत में बनाया। ये है भाभी की कहानी। तो भाभी के हाथ का अच्छा लगेगा कि माँ के हाथ का अच्छा, भाभी के हाथ का बिल्कुल। तो यही है सर, जब आप चुनाव हारे भी, जब आप चुनाव हार जाते हो उस दिन मलाल फील होता है, ये फील होता है ना? कोई फीलिंग, कोई फीलिंग नहीं। मैं चुनाव हारा भी नहीं है मान करके चलो, मेरी इंसानियत, मेरा भाईचारा आ रहा जी। बैलेट का इलेक्शन था तो जी 257 वोटों से 53 वोटों से आ रहा था मैं जी। उसमें जो काउंटिंग में सारी गड़बड़ सड़बड़ चौटाला चीफ मिनिस्टर बन गया था जी, तो उसमें जो आना सारी बंडलों में भी गड़बड़ जी, बैलेट पेपर में भी कैंसिल भी जी। आज भी वो बैलेट पेपर कहीं रखे होंगे तो आज गिनती करवा लो, हम हारते नहीं जी। ये था कि भाई कल लोग ये ना कहते हैं भाई चौटाला के साथ इलेक्शन था, उड़े भी लड़ाई झगड़े हुए, यहाँ भी कोई इस तरह की बात है तो हम बदनाम ना हो जाओ, कोई बात नहीं है, एमएलए बनना ना बनना कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस से जब आप एमएलए बने उसके बाद आप राजीव गांधी जी से मिलने गए? मेरे एमएलए बनने के बाद राजीव जी बहुत थोड़े नहीं, पहले जा चुके राजीव जी, उससे पहले हाँ जी। इलेक्शन हो गया था जी, और उस वक्त जो काउंटिंग बाकी थी, जिस वक्त मेरी इंटरव्यू हुई उस वक्त, उसके बाद 2-3 बार हम मिले, और मेरी एक ही बात थी राजीव से मिले जब जी। मेरे को बुलाया पार्टी में शामिल करने के लिए, बहुत लंबा ड्राइंग रूम था जी, मैं गया तो गेट पर खड़े हुए मेरे को मिले जी, और जाते दरवाज़ा खुला, मेरा हाथ में हाथ पकड़ करके, आओ दांगी जी आपकी सिक्योरिटी का क्या हाल है जी, ये बात करके, भाजी आपने जो जा करके जो करा सारा सब कुछ जी, उसके बाद हम सिक्योर हैं। बैठ गए कुर्सी, जैसे ये टेबल है उस तरफ जी। राजीव जी बैठे इस साइड में, आमने सामने हम बैठे, वो कहने लगे हम आपको अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। मैंने कहा जी मेरी 2-3 बात है जी, एक तो मेरा हल्का स्वाभिमानी हल्का है जी, और दूसरा फिर ये कहते हैं वे कांग्रेस एक समुद्र है जी, वहाँ पर गोता खाया और मामला ख़त्म, और तीसरी बात मेरी है कि भाई देवलाल परिवार का आदमी कांग्रेस में नहीं होना चाहिए हरियाणा में जी। हंस के कहने लगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे भाई हो, भाई की तरह से रहोगे, कभी आपको महसूस नहीं होगे। फरमा जी आपने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है जी, आप कि बहुत बड़ी बात है, इंसानियत की बात है, इस तरह से बुला करके जी। बात है हम आपके साथ हैं। उसके बाद 2-3 बार मिले जलसे में वगैरह में, रैली वगैरह में, दूर से देख गया तो वहीं पर खड़ा हो जाता और मेरा हाथ में हाथ डाल के आपके सिक्योरिटी का क्या हाल है, ये सवाल होते थे, ये सवाल पूछते थे। हाँ, उसके बाद वो अनहोनी होगी। उस टाइम राजीव जी अकेले मिले थे या सोनिया जी के साथ में? ना अकेले अकेले थे, हम दो ही थे बस। जब ये मामला हुआ उसके बाद में कांग्रेस के धड़े बन गए थे, एक तिवारी कांग्रेस हो गई थी अलग से, आपको उस टाइम कोई वो नहीं? ना 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 ना, तिवारी कांग्रेस तो शायद पहले बनी है, तिवारी कांग्रेस तो पहले बन गई थी राजीव गांधी से के आने से पहले। 91 की बात है, 91 में चौधरी वीरेंद्र सिंह वो थे पीसीसी प्रेसिडेंट, चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र सिंह को ही कह करके मेरे को बुलाया था। आप साथ में गए थे? ना, अंदर हमारी दोनों की बात हुई थी, अंदर वीरेंद्र सिंह नहीं गए, अंदर उनके थ्रू मेरे को बुलाया था, उनके थ्रू बुलाया। हाँ, पीसीसी प्रेसिडेंट थे वो, इसलिए। तो उस टाइम तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनसे उस टाइम कोई मुलाकात हुई आपकी जब गए? ये पॉलिटिक्स में नहीं थे उस वक्त। घर में आप घर में जाते थे मिलने? ना, घर में मैं एक दो बार ही गया उस टाइम, उसके बाद कोई बात खराब हो गई। ये देश का भी नुकसान, हमारा भी नुकसान जी। राजीव जी जो उनके विचार थे इस देश के प्रति, डेवलपमेंट के प्रति, देश को
आगे निकाल ले जाने के लिए ऐसी भावना उस व्यक्ति में थी, शायद किसी में हो सकती। फिर जो 99 और 2000 का दौर था, उस टाइम पे कांग्रेस के दो धड़े थे, एक भजन लाल का और एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और दोनों में एक कश्मकश थी कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन बने। उस टाइम कभी आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि भाई किस साइड जाएं? नो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपका क्लियर कट? क्लियर कट भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सुभाष बत्रा भजन लाल जी के साथ थे जी, लेकिन हम सरकार में भजन लाल की में जरूर था जी, लेकिन हमारी आस्था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, उनके साथ ही थी। हाँ। उनका कद तो 96 में 98 में जो 3 बार लोकसभा चुनाव हाँ। बड़े जब बढ़ाया कद तो हाँ। वो सर आप उस वाक्य में थे जब 97 की बात है, शायद 96-97 की बात है, भिवानी में चौधरी भजन लाल जी ने एक रैली रखी थी पार्क में, उसमें जब सुभाष बत्रा जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बोलने नहीं दिया, रैली में संबोधन नहीं करने दिया, हूटिंग वगैरह कर दी और सारा मामला वो कर दिया, हुड्डा जी को वापस आना पड़ा। मेरे ध्यान नहीं है ये बात, क्योंकि मैंने बत्रा साहब से पूछी थी, वो पल्ला झाड़ गए सवाल से, क्योंकि वो खुद थे इस चीज़ में। तो नहीं, वैसे मेरे ध्यान नहीं है बात। अच्छा, आपको ये याद नहीं? हाँ, ऐसी बात तो कभी नहीं हुई भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ना बोलने दिया गया। फिर बड़ी कश्मकश थी, बहुत सारी किताबें लिखी गई, बहुत सारी बात। कश्मकश तो गोहाना में भी थी, ये भी कहते हैं भजन लाल को नहीं बोलने दिया गोहाना में जी, ये सारी बातें वो उसके बाद हुआ है, गोहाना वाला जो वाक्य है दूसरे ढंग की बातें, कुछ नहीं इनमें। भूपेंद्र हुड्डा ने जो इस प्रदेश के लिए किया कोई नहीं कर सकता। अभी भी विपक्ष के लोग भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस के अलग अलग धड़े बने हुए हैं। कुछ धड़े नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, नो कुछ नहीं, सारे अपने पार्टी के काम में लगे हैं, घर घर यात्राएं, घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस में लगे हुए हैं सारे, तो एकजुट है कांग्रेस, एकजुट। कांग्रेस के अलावा अगर मैं बात करूँ, कोई दूसरी पार्टियों में कोई नेता पसंद है जो आपको ठीक? किस लिए भाई, किस लिए सर आपको? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा लीडर आज पूरे हरियाणा प्रदेश में है ही नहीं, जिसने 10 साल इस प्रदेश को चौमुखी विकास दिया, चाहे वो रोजगार के हिसाब में है, चाहे पानी के हिसाब में है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब में है, हर तरह से चौमुखी विकास चौधरी भूपेंद्र सिंह ने किया, इसका मुकाबला कोई नहीं है। बलराम जी से आपकी बातें होती होंगी शाम को घर लौटने के बाद, उनमें कभी ऐसा कोई वाक्या, कोई बात ऐसी निकल के आई कि उनका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है मैम के लिए, कि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ मैम के लिए? कहीं कोई कमी होगी तो पूरी करेंगे, तो कोई स्पेसिफिक कोई बात नहीं है कि ये हमने पहले ही कोई कसर नहीं छोड़ रखी। दो शब्द सर कोई मैम की जनता के लिए, दो बातें कुछ आप बोलना चाहते हो तो? महम की जनता के लिए सबसे बड़ी बात ये कि प्यार प्रेम सुख शांति से सब मिलजुल करके चले, राजनीति के गंदे फंदे में ना फंसे, लोभ लालच में ना आए, इंसानियत के साथ एकजुट होकर के चले, प्यार प्रेम से रहें, तरक्की होगी, विकास होगा, सारी बातें। अब की बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का कोई रोल रहेगा? कुछ नहीं है किसी पार्टी का कोई? नो, भविष्यवाणी कर दीजिए सर, कांग्रेस की कितनी सीटें आएंगी 2024 विधानसभा चुनाव में? बस सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं पहले के भी, अगर बात कर रहे हो 85 की, अब वो सारे सीट आई थी, सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। चौधरी देवीलाल का रिकॉर्ड तो टूटने की बात कर रहे हैं आप? टूट सकता है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहनुमाई में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आनंद सिंह दांगी जी की कहानी बड़े उतार चढ़ाव से भरी रही है। कभी वो भारत देश के उप प्रधानमंत्री यानी चौधरी देवीलाल के 5वें पुत्र कहाए, कभी वो उन्हीं की पार्टी के एक कैंडिडेट से महम विधानसभा का चुनाव हार गए, कभी उन्हें एक पंचायती कैंडिडेट के तौर पर निर्दलीय चुनाव लड़ने को कहा गया, तो कभी उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाई गई। इन सारी बातों के जवाब अब आपको मिल चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी हर एक उस पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा को, आपके हर उस एक पॉलिटिकल सवाल का जवाब मैं और मेरी टीम यानी हरियाणा की पंचायत के सारे साथी मिलकर
आपको दे सकें। आपको बस इतना करना है कि अपने सुझाव, और अंग्रेज़ी में कहूँ तो आपका फीडबैक, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें। मेरा नाम है राहुल सिम्हार और मैं मिलता हूँ आप सब से एक और नए पॉलिटिकल किस्से में, एक और नए पॉलिटिकल इंटरव्यू में, बातचीत में। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा की पंचायत। नमस्कार, राम राम, जय हिंद।